पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में और उपनिषदों में एक ऐसे पेड़ का उल्लेख किया जाता है जिसका नाम है कल्पवृक्ष। जी हाँ, कल्पवृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो मनोकामना पूरी करता है, मन की सारी इच्छाओं को पूरी करता है, उससे जो भी प्रार्थना की जाए वह मिल जाता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कल्पवृक्ष के बारे में जिसकी उम्र के बारे में आप सोच कर भी दंग रह जाएंगे। वैसे तो अब तक इस पेड़ का इतिहास के बारे में रिकॉर्ड जो उपलब्ध है वह है 2500 साल। यह कल्पवृक्ष है 2500 साल पुराना, लेकिन माना जाता है कि सतयुग के अंदर इस पेड़ की स्थापना की गई, यानी पेड़ को लगाया गया। यह भी बताया जाता है समुद्र मंथन के समय जो 14 रत्न निकले थे उसमें से एक था कल्पवृक्ष। जी हाँ, उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ के अंदर जो शंकराचार्य का पीठ है, मठ है, उसके अंदर यह पेड़ आज भी लगा हुआ है कल्पवृक्ष का, जिसकी उम्र बताई जाती है 2500 साल। सुनकर भी आश्चर्य हो रहा है, लेकिन यह 2500 साल बाद भी बहुत ही खूबसूरत और उसी तरीके से मनोकामना पूरी करने वाला है। बताया जाता है आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के लिए इसी पेड़ के नीचे तपस्या की थी, तप की थी, और उसके बाद में इस धर्म की पुनर्स्थापना हुई। पत्रिका.com इस समय कल्पवृक्ष के नीचे ज्योतिर्मठ में पेश है उसकी जीवंत रिपोर्ट। इस कल्पवृक्ष के नीचे जो भी मनोकामना की जाती है वह पूरी होती है। इस कल्पवृक्ष की उम्र का देखकर अंदाज लगाया जा सकता है 2500 साल। कई सदियां बीत गई, कई युग बीत गए, लेकिन यह कल्पवृक्ष आज भी वैसा ही विशाल और विशालतम होता जा रहा है। इस कल्पवृक्ष की खासियतें हैं, इसमें सभी देवी देवताओं की प्रतिमूर्तियां नजर आती है। देखने से कुछ कुछ समझ में आता है। नागफन यानी भगवान स्वयं शिव, ये गदा हनुमान जी की पेड़ में आकृति इस तरीके से बनी है कि यह अपने आप में गदा नजर आती है। यह है भगवान गणेश, इनकी आप देखिए सूंड ये दिख रही है इसके अंदर, और ये दोनों तरफ कान बने हुए हैं। यह अमर कल्पवृक्ष हिंदुस्तान में ऐसा कहीं भी कल्पवृक्ष नजर नहीं आता है। हिमालय की वादियों के अंदर स्थित यह कल्पवृक्ष ज्योतिष मठ में स्थित है। पत्रिका.com इस समय है ज्योतिष मठ, और कल्पवृक्ष के नीचे ज्योतिष मठ से पत्रिका.com के लिए उरुक्रम शर्मा की रिपोर्ट।